भाई बहुत देर खुआरी के बाद फाइनली ऊँट मिल गया, और ये वो लाड़ी ऊँट है और ढांची है अभी इसको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू न्यू व्लॉग। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है भैया, आज 8 बजे उठ गया और व्लॉग स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि मैं रात में बहुत जल्दी सो गया था, जुम्मे की नमाज के बाद सो गया था, और अब उठा हूँ और मौसम चेक कर सकते हैं आप लोग, बेहतरीन हो रहा है। और अभी उन लोग ने गाय माँ को खाना भी दे दिया, जब से खुली हटी है ना ये फ़ायदा, गाय भी दिखती रहती है। और बंटू साहब भी बैठे हैं। आज नाश्ते में हमारे पास बन और पराठा, तो फटाफट से खाते हैं। तो फिलहाल अभी नाश्ता वगैरह तो कर लिया, अभी जा रहे हैं मंडी निकलने के लिए, अगर मिल गया तो ले लेंगे, अगर नहीं मिला। तो अभी ऊँट मंडी की तरफ निकल चुके हैं और अभी हसन के साथ गाड़ी में बैठा हूँ और आप लोगों को कुछ बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। और बाहर के नज़ारों में ये था, तो चलते हैं बस मंडी की तरफ। और ये कुछ मैंने कहा फ्रंट के भी दिखा दूँ आपको शॉर्ट, तो निकलते हैं बस घर की तरफ, वो मंडी की तरफ, सॉरी। गाय मंडी में तो उतर चुका हूँ, गाय के 1,35,000 रुपए, बहुत ज्यादा रेट है। 230, 40 पूरा दो, 42 क्या मांग रहे भाई? वाला का फाइनल और मान लिया, ये सारे चल रहे हैं। क्या मांग रहे? लाल वाले का? हाँ, 220। ओ भाई एक बात कर भाई, एक बात इधर, एक बात इधर आ। क्या हाल देख सकते हैं, बहुत खतरनाक है। आप देने वाले बोलो भाई, आगे आप बोलो, बोलो देने वाले। हाँ बाबा, क्या कितने दाम है? ये 4 दांत है, वो बछड़ी 4 दांत है, ये 2 दांत है, वो गाबा 2 दांत है। उसके क्या बोल रहे हैं? कौन से वाले के? उसके, वो जो खड़ा हुआ है, उसका 4.5 बाबा। और ये इन तीनों के? 220, 220, 270। तो ईद वाले जी भी ले लेते हैं। देने वाली एक बार बताना। तो अभी मंडी है कुछ नहीं बताना, देर के बाद से मगर मंडी ठीक नहीं हुई बिल्कुल भी। हमने कहा एक दो दान उठा लेंगे अगले साल के लिए भाई, जो बनने वाले दान होंगे, मगर फिर भी बहुत हाई रेट चल रहे हैं बहुत। तो वही चांद रात वाले दिन भी मंडी कुछ जोरों शोरों पे चल रही है, कम व कुछ नहीं पैसे हो रहे हैं, तो अभी देखना है क्या रहता है। वो अभी बहुत हसन भाई मंडी कैसी चल रही है देगा मिल। तो भाई अभी ऊँट मंडी से पहले पड़ती है बकरा मंडी, तो इसलिए आ गए बकरा मंडी। यहाँ पे ज़रा देखते हैं कुछ सस्ते में मिले तो खा लेंगे, और मालूम मिलते हैं हमारे देख के हमारे बकुल की भी याद आ गई। अभी किसान की मंडी चलती है भाई। भाई अभी का सीन ये है कि वैसे तो बहुत हाई बोल रहे हैं, अब बाबा लोग घूमने गए, मैं तो भाई गाड़ी में के बैठ गया हूँ, क्योंकि पैसे बहुत हाई बोल रहे हैं, और मान भी आएंगे, चप्पलें सारी ख़राब हो गई हैं, देखें कितने अंदर ही आगे बैठ गए। तो भाई अभी तक आधा घंटा तो हो गया, बाबा लोग पता नहीं क्यों कहाँ रह गए, शायद सौदा वौदा हो गया तभी रुक गए। तो अभी तक बैठा हूँ और बारिश का फुल बेहतरीन वाला मौसम हो रहा है, दिखाता हूँ आप लोग को। तो बारिश का मौसम चेक करें कैसा हो रहा है, फुल काली कटाई है। तो चलो हम भी गेम खेल रहे थे बैठे हुए, मैं क्योंकि बोर हो रहा था, मान लोग भी बैठे हैं। तो भाई जो वगैरह ले आएंगे लोग, मुझे पता था इतना टाइम लगा, तो सौदा ही हो गया होगा। तो ये बकरे ले लिए इन लोगों, तभी तो टाइम पता है यार, 2 घंटे से खड़ी है। ले लिए 15,000 रुपये पुट्ठे के दाम, अभी और ले रहे। किसने लिए? आ रहे हैं बाप जी ने भी लोग, ये किसने लिए? बड़े बकरे ले रहे हैं अभी। ओके तो भाई 3 बकरे ले लिए इन लोग ने। आई मन चाल उठाओ, बीच में ला लेंगे, चलो जल्दी करो यार, मन जेब में डाल दो, मैं ट्राई करके लेके जाती हूं। चलो हसन सेटिंग
वो भी हसन अली को बकरे वगैरह दिला के घर पे आ गया हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि मैं भी सुबह 8 बजे उठा हुआ हूँ। आज जल्दी व्लॉग शुरू कर दिया था मैंने भी, और चाचू मेरे आ गए और बाहर साहिबा भी वो बैठी है, गेम खेल रही है चाचू के मोबाइल। और अभी का सीन ये है कि भूख लग रही थी, मैंने परवेज को बोला यार परवेज जाके ऊँट लेना था, मगर एक मसला हो गया था, वो मसला लोचा पै गया, लोचा पै गया है। तो अब वो मसला अब आपको बता नहीं सकता, पर्सनल है, तो इसलिए लिया नहीं ऊँट। और सौदा वौदा सब हो गया था, वहाँ से अंकल आ गए थे उनसे मसला हो गया था। और अभी का सीन ये है कि भूख लग रही है, क्या परवेज को बोला भाई जाओ बिरयानी बिरयानी लेके आओ, तो भूख लग रही है। और आज है चांद रात की रात, बड़े सीन है भाई आज के भी। ये भी बिरयानी बिरयानी तो आ गई, अब इसको निकालते हैं प्लेट में और खाते हैं, बस खा के ही मिलता हूँ। खाना दोपहर का खाना वगैरह तो खा लिया और बहुत टेस्टी हो रहा था ना। और बहुत मज़े का था भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई बिरयानी, अच्छी थी। अभी हो रहा है शाम का वक्त और अभी हमने सोचा है कि अब हम दोबारा मंडी निकले हैं और पैसे वैसे रख लिए हैं, तो अब जा रहे हैं फिर से ऊँट लेने। तो चलो अब बस निकलते हैं मंडी के लिए। तो फिलहाल अभी ऊँट मंडी तो आ गए हैं भाई, और ऊँट भी खड़ा है सारे, कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। तो भाई बहुत देर खुआरी के बाद फाइनली ऊँट मिल गया, और ये वो लाड़ी ऊँट है और ढांची है, अभी इसको सजवाते वगैरह हैं फिर घर लेके चलते हैं। तो फाइनली फाइनली भाई ऊँट लेके आ गए हैं, काफ़ी टाइम लगा लेके आ गए। तो फाइनली भाई हमने ऊँट छूट तो ले लिया, मगर सुबह 6 बजे गए थे, तो 2 दफ़ा मंडी गए और आखिरी में लाड़ी नस्ल का ऊँट ले लिया। सबसे अच्छी नस्ल का यही होता है, और मुझे भी यही पसंद आ रहा था, बहुत शरीफ है ये तो, मारा भी नहीं है। वही ऊँट छूट तो खरीद लिया, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। शरीफ है, लाइट से डर है, फ्लैश लाइट चल रही है ना। बकरे मिले हैं अहमद भाई को कैसा लगा वो? सही है, नहीं तारीफ करो बेटा तरीके से, कुर्बानी का जानवर है माशाल्लाह। हाँ ऐसे वो भी तुम्हारी बच्चियाँ खड़ी है, मैं भी बोल दूँ? बोल दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे अंदर फिर दिल ही नहीं है। जी जी दिल खत्म हो गया तुम्हारे अंदर। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं टहला के ले आऊँ, क्योंकि व्लॉग भी करना है और व्लॉग भी बन जाएगी, टहल भी लेगी। चलो इसे टहलाने लेके चलते हैं थोड़ा सा। चल परवेज टहलाने लेके चले। हाँ चलो रस्सी खोलो, खुश हो ये वीडियो ना। तो अभी ऊँट को लेके तो निकल गए और इसे थोड़ा चलाते हैं, एक गली का चक्कर लगा के लाते हैं। तो चलो निकलते हैं। अबे चप्पल उधर, अबे यार मैं भागते की वीडियो ना रहा था, चप्पल ही उतर गई। चलो फिर भगा थोड़ा, चलो चलो व्लॉग में सब कुछ दिखाने भाई, बस बस। तो फिलहाल अभी ऊँट ऊँट को तो बांध के निकल गए थे, ऊँट वो खाना लेके ही आता है अभी उसका, तो वो खा नहीं रहा था, तो अभी दूसरा खाना लेने जा रहा हूँ और देखता हूँ वो खाता है, गवार की फली वो लेने आ रहा हूँ, ये तो खा नहीं रहा था। पिछली बार जो ऊँट लाता था वो तो खाता था ये सब। तो फाइनली जैसा भूसा चाहिए था वैसा मिल गया, परवेज लेके आ रहा है, अब निकलते हैं फटाफट से घर। तो चलो ये नया चारा लेके आए हैं, देखते हैं खाता है या नहीं खाता, तो निकालो भाई। और ऊँट साहब अपने यहाँ बैठे हैं कोई मजे में, आप भी देख सकते इसको करीब से, कुछ भी नहीं करते इसके बुड्ढी अबाल।
निकालो भाई। थोड़ा थोड़ा निकाल ले बस, थोड़ा ही। अल्लाह करे खा ले। ओ खा रहा है। मिशन पास, मिशन पास हो गया, मिशन पास हो गया। यस ये देखो कैसे खा रहा है। आओ इसके अंदर ये चारा है, ये नहीं है। मिशन पास हो गया। पकड़ भाई। कैसा लग रहा है आपको? हमने इतनी मेहनत करी, इतनी जिद्दोजहद की है। मैं जब जाए आपको जाना है। हाँ मुझे काम था, मैं आ रहा हूँ। आपको तो खाना खिला दिया और आज हमारे पास है खाने में कोरमा और रोटी, तो फटाफट से खाते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली भाई हमने भी खाना खा लिया और रोटी ने भी खाना खा लिया और कल है ईद, तो भी मैं आप लोग को पता है आप लोग के सामने 7 बजे से उठा हूँ। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल बनना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।